बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने दिशा सालिन मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल नीतीश राणा ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर मैनेजर 8 जून को जुहू पार्टी में शामिल होने के बाद 100 नंबर पर मुंबई पुलिस को कॉल किया था, जिस दिन दिशा के साथ हादसा हुआ था। अपने इंटरव्यू में नीतीश राणा ने कहा कि अगर ये हादसा अचानक होता या फिर दिशा का खुद का फैसला होता तो मुंबई पुलिस ने दिशा मामले की जांच अधिकारी दो बार क्यों बदले। रोहन रॉय ने 9 जून को क्यों अपना फ्यूनरल प्लान किया जबकि उनका पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ था। अगर ये अचानक हादसा था तो उनके कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं देखे गए। उन्होंने 8 जून को आखिरी कॉल रात 8:30 बजे की थी और दिशा का फोन 4:30 घंटे के लिए स्विच ऑफ था और उनके हादसे के बाद उसी रात किसी ने उनका फोन यूज किया था। ये सारी घटनाएं एक बड़ा सवाल उठाती हैं और ये हादसा नहीं लगती और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मामले की भी जांच हो। इसके बाद ये भी कहा गया कि पार्टी में दिशा के साथ कुछ गलत हुआ और मलाड मलवानी में अपने घर के लिए रवाना होने के बाद उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया। उन्होंने मदद मांगी थी, जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में जानकारी दी थी। पुलिस के पास जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड हुई थी। भले ही पुलिस उनकी मदद ना कर पाई हो लेकिन ये मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठता है कि मैं एक लीड दे रहा हूं और सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर सीबीआई मुझसे कहे तो मैं उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। नीतीश राणा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिशा सालिन के मंगेतर रोहन रॉय के लिए भी सुरक्षा मांगी। चिट्ठी में नीतीश ने लिखा कि दिशा के लिव इन पार्टनर रोहन रॉय से कभी मुंबई पुलिस ने पूछताछ नहीं की, जिससे 8 जून की उस घटना के बारे में पता चल सके, जब दिशा के मलाड बिल्डिंग के गैलरी से छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। तो उन्होंने लिखा था कि जब दिशा के साथ हादसा हुआ था और वो गिरी थी तब रोहन घर पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कहा जा रहा है कि रोहन करीब 20 से 25 मिनट बाद नीचे गया, जो कि एक शक की ओर इशारा करता है। आगे नीतीश ने यह भी दावा किया कि रोहन खुद मुंबई छोड़कर गया या किसी ने उसे जांच से बचने के लिए मुंबई छोड़कर जाने को कहा। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि लगता है कि रोहन मुंबई लौटने से डरा हुआ है। उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ ऐसे बड़े या माफिया लोग उन पर हावी हो चुके हैं जिसके डर की वजह से वो अभी तक अपनी इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी नहीं लौटे। नीतीश ने अंत में गृह मंत्री से रोहन को सुरक्षा देने की मांग की और कहा कि उसे सुरक्षित मुंबई लाया जाए ताकि सीबीआई इस जांच को बढ़ा सके, आगे उससे पूछताछ कर सके, क्योंकि रोहन ये एक ऐसी कड़ी है जो सुशांत और दिशा के इस मामले को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि रोहन जानता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। नेक्स्ट लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।